हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेंचर्स आईक्यू, कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। मैं आज आप लोगों के साथ फिर से जुड़ा हूँ कुछ बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन लेके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताने वाला हूँ। सेशन स्टार्ट होने से पहले क्या बताने वाला हूँ, कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल से प्रॉपर्टी है एक सिमिलरिटी या समानता कह सकते हैं हम हिंदी के अंदर, बोले तो समानता। उससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल है हमारा ए बी एंड सी, ठीक है, और सेकंड जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, डी ई एफ। अगर इस दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, अगर ये एंगल डी के बराबर है और एंगल बी जो है हमारा एंगल ई के बराबर है, मतलब एंगल बी हमारा किसके बराबर हो गया है, एंगल ई के, और एंगल सी जो है हमारा वो अगर एंगल एफ के इक्वल है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर सिमिलरिटी लग रही है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लग रही है। मतलब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के सिमिलर है, मैं क्या कह रहा हूँ, समांतर है, समांतर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पहली चीज़ ये आप समझ लीजिए, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के अंदर बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं। अगर ये सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल डी ई एफ के क्या है, सिमिलर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, साइड्स का रेशियो, आप इस चीज़ पे ध्यान देना, साइड्स का रेशियो इक्वल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइड इक्वल होगी दोनों की, अगर दोनों की साइड भी इक्वल होती है तीनों तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और सिमिलर भी होगा, बट यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। साइड का रेशियो कैसे इक्वल होगा, अगर ए बी है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ और इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी तीनों चीज़ हमारी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड इक्वल नहीं होगी, ये चीज़ आपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। अगर मिसकंसेप्ट कर गए आप तो आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन में, 100% आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे, तो ये चीज़ आप ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, ये जो चीज़ हुई है इसके अंदर क्या हुआ है, मेरा तीनों एंगल इक्वल है, मतलब क्या है, ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है, तो हमारा क्या रूल कहलाता है, एंगल रूल। अब इसी तरीके से साइड रूल है। अगर मान लीजिए साइड रूल, तीन साइड्स, मतलब तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, मैं फिर कह रहा हूँ आप ध्यान रखना इन चीज़ों का, रेशियो इक्वल है अगर, तो वो भी ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे दोनों। अगर उनका रेशियो इक्वल है साइड्स का, साइड का रेशियो इक्वल होने से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर ये चीज़ कंडीशन हो रही है दोनों ट्रायंगल के बीच में, तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ तीसरी चीज़ की, किस चीज़ से सिमिलर हो सकते हैं, साइड एंगल साइड से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप समझे, अगर मेरी दो साइड्स का रेशियो, मतलब क्या है, ये साइड अपॉन ये साइड, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप देखिए, ए बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर इनका रेशियो इक्वल आ रहा है तो मेरा ट्रायंगल सिमिलर होगा। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल, साइड एंगल साइड में ये कंडीशन है, दो साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो ही ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए दोनों साइड का रेशियो तो इक्वल आ रहा है मेरे पास, बट क्या हो रहा है, मेरा ये जो एंगल है ये मान लीजिए आप 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला मेरा एंगल 60 नहीं है, मान लीजिए 80 है, तो ये हमारा सिमिलर नहीं होगा, ये चीज़ आपको बड़ी ही ध्यान से देखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट और है,
वो देख लेते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब एक एक चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप देखिए अच्छे से। अगर हमको क्या चाहिए, इन ट्रायंगल का एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, साइड का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास एरिया का रेशियो आ जाएगा, कैसे, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, और थर्ड चीज हमारे पास क्या थी, ए सी बाय डी एफ। अगर मैं क्या करूँ, इनका स्क्वायर कर दूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एरिया का रेशियो बन जाएगा, ये चीज़ मेरी एरिया की रेशियो बन जाएगी। और यहाँ पे अगर इनकी हाइट भी गिवन है, दोनों ट्रायंगल की हाइट गिवन है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर हाइट है तो उनकी हाइट का रेशियो भी हमारा इक्वल होगा, ये ए, ये मेरा बी, और ये सी, ये डी, ई और ये एफ। अगर यहाँ पे मेरी हाइट है तो इसको मैं एच वन बोल देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, एच टू। तो यहाँ पे इनकी हाइट का रेशियो भी इक्वल होगा। और अगर मीडियन दी भी है, हाइट की जगह अगर मीडियन है, माध्यिका, माध्यिका कहते हैं हिंदी में, मीडियन, अगर मीडियन है तो मीडियन का रेशियो भी इक्वल होगा, इनका स्क्वायर कर दीजिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब ये होगा कैसे, हम उस पर डिस्कस करते हैं, छोटा सा थोड़ा सा टाइम दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ होगी कैसे, एग्जैक्टली ये इम्प्लाई कैसे होगी, वो भी तो पता होना चाहिए। सिर्फ हमको ये पता हो जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता चल जाए, आप सोचो मैं क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकालूँ, निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार निकाल लोगे, दो बार निकाल लोगे। बट जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए, वहाँ पे आप कंफ्यूज होगे, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर उसने चेंज कर दिया तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। हम चीज़ देखते हैं, ये चीज़ आ कैसे रही है, ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हो रहा है, आप डेराइव कह दीजिए, बट मैं इसको बेसिक्स कहता हूँ, ये बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छे लेवल के जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप आपको ये चीज़ें याद आएगी, बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे मैं पॉइंट मान लेता हूँ पी, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ मैं क्या, जी मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, ये क्या है, मेरी हाइट है, इसको एच वन भी लिख सकता हूँ मैं, और इसको एच टू लिख देता हूँ। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्या कह रहा हूँ मैं सुनिए, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं आपस में, तो क्या कंडीशन होगी, कंडीशन क्या है हमारी, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू, मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब यहाँ पे मैंने एक हाइट खींच दी है, हाइट आ गई है मेरी यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरी यहाँ पे हाइट आ गई है तो मैं आगे क्या करूँगा, वो चीज़ हम देखेंगे। अगर हमारी यहाँ पे हाइट आ रही है, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, यहाँ पे मैंने हाइट डाली है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे मेरे, ये और ये ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एक और कंडीशन बन जाएगी यहाँ से, क्या कंडीशन बनेगी, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए पी, ए पी नहीं बी पी ले लीजिए, बी पी अपॉन ई जी इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी जी। अच्छा, अब ए पी अपॉन डी जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच वन और एच टू लिख दूँ, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत, ये क्या है, मेरी हाइट ही तो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच वन और यहाँ पे लिख देता हूँ एच टू, ये चीज़ मुझे पता है। अब आप बात करें अपन एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ, तो एरिया का फॉर्मूला आपको ट्रायंगल के पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट कर सकता हूं, हाफ बी इंटू एच, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, हमारा हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, हमारा बेस क्या है ट्रायंगल के अंदर, आप देखिए इस ट्रायंगल, हमारा बेस क्या है, बी सी, बी सी हमारा बेस है, और हाइट क्या है हमारी, एच वन, इसको एच वन लिख लूँ मैं,
और अपॉन के अंदर क्या है, हमारा बेस क्या है यहाँ पे, ई एफ मल्टीप्लाई बाय हाइट एच टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए बी सी अपॉन ई एफ मेरा क्या है, ए बी बाई डी ई, मैं इसको लिख सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे इसको, बी सी अपॉन ई एफ मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए अभी हमने निकाल के आपको बताया, ए बी बाई डी ई लिख सकता हूँ मैं, ए बी बाई डी ई, और हमारी एच वन बाई एच टू क्या है, एच वन बाई एच टू हमारा इस थ्योरम के हिसाब से, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया, ये दोनों सिमिलर है, उस हिसाब से हमारा क्या आ रहा है, ए बी बाई डी ई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ से डेराइव हुई है, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ, अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड एबी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली सच दैट डीई पैरेलल टू एसी इफ एडी रेशियो बीडी इज इक्वल टू 5:3 देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी टू द ट्रेपेजियम एडीईसी। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा भाई, एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, क्या ट्रायंगल है हमारा एबीसी, उसके अंदर कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट है डी और ई, ठीक है, जो कि किस पे है, ए बी एंड बी सी पे, ए बी एंड बी सी पे जो पॉइंट है डी ई वो पैरेलल है ए सी के, ठीक है, जो डी ई पॉइंट है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। अब ए डी का रेशियो, ए डी डी बी का रेशियो क्या है, ए डी रेशियो डी बी का रेशियो है 5:3, ये मेरा 5 है ए डी और मेरा बी डी क्या है 3 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है हमको, इस जो ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई उसका रेशियो निकालना है किसके साथ में, ट्रेपीजियम डी ई ए सी, हमको क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो अभी इतनी देर आपको मैंने वो चीज़ बताई, अब वो यहाँ पे काम आएगी, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अब। अच्छा इस ट्रायंगल के अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा दो ट्रायंगल बन रहे हैं बी डी ई, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा क्या है, ए बी सी, सॉरी बी ए सी, ठीक है। अब क्या करूं, अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल के इसमें से छोटे वाले ट्रायंगल में से माइनस कर दूं, तो मेरा ट्रेपीजियम का भी एरिया आ जाएगा और फिर मैं उसका रेशियो बता पाऊंगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में सिमिलर हो रहे हैं, अब सिमिलर कैसे हो रहे हैं वो चीज़ आप देखिए, ठीक है। ए सी जो है वो डी ई के पैरेलल है, पहली बात, अगर पैरेलल लाइन बन रही है और उस पर एक ही लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं एक लाइन पे बनने वाले, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, और उसी तरीके से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, इस तरफ हम देखते हैं, एंगल ए जो है मेरा किसके इक्वलेंट है, डी के इक्वल है, और एंगल सी जो है मेरा वो किसके इक्वल है, एंगल ई के ऊपर है, ठीक है। अब एंगल बी जो है वो मेरा कॉमन एंगल हो गया, एंगल बी क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, उससे वो दोनों के अंदर है तो इक्वल ही होगा, दोनों में कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ पे मेरा क्या रूल अप्लाई हुआ, एंगल 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 रूल अप्लाई हुआ, उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अभी अपन ने इतनी देर यही चीज़ की थी, इसीलिए मैंने आपको बेसिक्स बताया था, यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा बेसिक्स पे, बेसिक्स हैं तो हमको डायरेक्टली पता चल रहा है ये दोनों आपस में सिमिलर हो रहे हैं। अब हमारा आगे का प्रोसेस करते हैं, अभी आपको बता रहा, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इनकी साइड के इक्वल हो जाएगा, साइड मेरी क्या है, ए बी अपॉन यहाँ पे मेरी क्या बन जाएगी, बी डी स्क्वायर कर दीजिए एरिया, अभी बात हुई थी अपनी इसके ऊपर, इतनी देर मैंने बताया था आपको ये चीज़ें, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मेरा ए बी क्या है, ए बी मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे, 8, कैसे 8 आ रहा है, ये 5 है ये 3 है, तो ये पूरा 8 होगा ना, ए बी हमारा 8 हो गया यहाँ पे, अगर ए बी मेरा 8 है और बी डी मेरा क्या है 3, तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे मेरा 64 जो एरिया आया है, 64 किसका एरिया आया है, पूरे ए बी सी का,
मतलब क्या है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मेरा आ चुका है, एरिया का रेशियो, रेशियो में बात चल रही है, 64 आ चुका है, और जो छोटा मेरा ट्रायंगल है उसका कितना है 9। अगर मैं 64 में से 9 माइनस करता हूँ तो मेरा इस ट्रेपीजियम का एरिया आ सकता है, आ सकता क्या है, आ गया है, ये 64 माइनस 9 मेरा क्या हो गया 55। तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल, रेशियो क्या बन रहा है हमारा, ए बी डी, बी क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, बी डी ई रेशियो ट्रेपीजियम डी ई ए सी, ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा 9:55। ऑप्शन देखिए हमारा क्या आ रहा है, 9:55 हमारा क्या ऑप्शन, ऑप्शन देखिए हमारा 9:55 हमारा आंसर आ गया है। कितना इजी क्वेश्चन था, अगर हमको बेसिक पता है तो इजी था, नहीं तो आप करते रहिए बैठ के, बेसिक्स बेसिक्स अगर स्ट्रांग है, उससे कंसेप्ट बन चुके हैं तो आप इजीली कर पाओगे। मजा आया क्वेश्चन करने में, कितना फास्ट था, डायरेक्टली हमको पता चला सिमिलर ट्रायंगल है और हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की और हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप लोग सभी पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 men and 5 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कह रहा है 4 men and 5 women किसी काम को क्या करते हैं 15 days के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, और उसी काम को क्या कर रहे हैं 9 men plus 6 women मिलके कर रहे हैं, कितने दिन में, 10 days में। अच्छा, और अब हमको क्या करना है, इसी काम को 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। बट उसने बोला है 4 men तो है ही है, 4 men को 7 में कितनी वुमेन उनके लगाएं कि वो काम 7 दिन के अंदर आ जाए। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्ट देख लें यहाँ पे, एम डी और एच, एम डी एच अपॉन डब्लू, यहाँ पे एम डी एच अपॉन डब्लू, ये क्या चीज़ है, एम डी एच, एम डी एच चना मसाला नहीं है, एम डी एच क्या है हमारा, एक फॉर्मूला है। एम क्या है हमारा यहाँ पे, वर्किंग मैन, मतलब जो भी वर्किंग कर रहा है, मैन या वुमेन या दोनों, दोनों भी साथ में काम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ आएगा हमारा, मैन। और डी क्या है हमारा, जितने दिन लग रहे हैं, डी हमारा कितने डेज, ओवर्स, मतलब कुछ भी लग रहा है हमारा टाइम, अगर डेज है और उसके बाद ओवर लग रहा है तो वो ओवर से मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, वर्क। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करें, एम डी एच लगाएं, एम डी एच कैसे लगाएंगे, एम वन डी वन और एच वन, यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं, इज इक्वल टू एम टू डी टू और एच टू। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ की है, वर्क जो है वो यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि काम तो सेम ही कर रहे हैं, दोनों काम सेम कर रहे हैं, अगर ये 60 कर रहा है तो ये भी 60 कर रहा है तो आपस में कट जाएगा, इसलिए मैं वर्क यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। तो हम बढ़ते हैं आगे, मैन हमारे, एम क्या है, वर्किंग मैन या वुमेन, यहाँ पे 4 men plus 5 women है, डेज कितने लग रहे हैं 15, और ओवर्स हमारे नहीं दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे हमारी वर्क आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब एम टू क्या है हमारा, 9 men 6 women मल्टीप्लाई बाय डेज कितने हैं 10, यहाँ से मैं कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, 60 men plus 75 women इज इक्वल टू 90 men plus 60 women, ठीक है। अब ये क्या करता हूँ, मैं मैन को उधर भेज देता हूँ और वुमेन को इधर ले आता हूँ, ठीक है, 90 minus 60 30 men बचा मेरे पास, इक्वल टू मेरा क्या आ चुका है, 75 minus 60 15 women, यहाँ से मेरा क्या आ चुका है, मैन और वुमेन का रेशियो आ चुका है, रेशियो क्या बन रहा है मेरा, 1:2, मतलब क्या आ गया, ये जो रेशियो आया है ये एफिशिएंसी का रेशियो आया है मेरा, एफिशिएंसी का रेशियो है, अगर आदमी एक काम करेगा तो औरत की एफिशिएंसी 2 हुए 1 दिन के अंदर, ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो है। अब मैं टोटल वर्क निकाल लूँ यहाँ से, टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, वही हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं एम डी एच वाले के अंदर, भाई मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मैन की एफिशिएंसी है 1, तो 4 multiply by 1 इसके अंदर पुट कर रहा हूँ मैं, प्लस 5 into वुमेन की कितनी है 2, 5 into 2 multiply by 15, ये हमारा वर्क डन आ जाएगा, यहाँ से वर्क डन कैसे आ गया, 4 10 14 multiply by 15, ये मेरा कितना आ चुका है 210, हमारा क्या आ चुका है वर्क डन, टोटल वर्क डन हमारा 210 आ चुका है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कैसे और चीज़ें हमको करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फिर से
कैसे करोगे आप? अब यहाँ पे मेरा टोटल वर्क डन आ गया, अब वो क्या चीज कह रहा है कि भाई चार आदमी तो काम कर ही रहे हैं, चार आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 7 दिन काम करवाना है, चार आदमी की एक की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और 7 दिन काम कराना है, मेरा वर्क कितना किया आदमियों ने मिलके, मैन ने मिलके 28, तो 210 में से मैं 28 माइनस कर लेता हूँ, 182 मेरा आ चुका है, अब रिमेनिंग वर्क डन है 182। और वो क्या चीज़ कह रहा है? वो कह रहा है कि वुमेन कितनी लगेगी उस काम को करने के लिए, एफिशिएंसी कितनी है वुमेन की, 2 एफिशिएंसी है वुमेन की, टोटल डेज कितने हैं, 7 डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ वुमेन्स आ जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई करिए 7 और ये कितना गया 13 मेरा आंसर आ चुका है, 13 वुमेन लगेगी और मैन को असिस्ट करेगी पूरा काम करने में, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन हमारा देखें आप क्या कहना चाह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन है इफ sec theta cos theta प्लस sin theta इज इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin theta अपॉन cos theta माइनस sin theta। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा sec theta मेरे को क्या दिया हुआ है, sec theta cos theta प्लस sin theta इक्वल टू मेरा क्या है √2। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या चीज है वो देखते हैं हम, 2 sin theta अपॉन cos theta माइनस sin theta ये मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले जो गिवन डाटा है sec को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ cos से, sec को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ cos से, sec theta डॉट मल्टीप्लाई cos theta प्लस sec theta साइन थीटा मल्टीप्लाई के अंदर इक्वल टू √2 चल रहा है मेरा। ठीक है, अब sec थीटा आपको पता है 1/cos होता है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, sec 1/cos कर देता हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस sec थीटा क्या होता है cos थीटा, साइन अपॉन cos क्या होता है 10 होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इक्वल टू √2 tan थीटा मेरा यहाँ पे क्या आ चुका है √2 - 1। अच्छा, अब एक चीज़ आपको पता है tan थीटा मेरा होता क्या है, एक्चुअली tan थीटा मेरा है साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपॉन में 1 लिख लूँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मेरा sin थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है √2 - 1 और cos थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारी जो डाटा के अंदर पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लीज़, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस चीज़ पे, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, नए स्टूडेंट आते हैं जो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है उनसे, गलती क्या होती है इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट क्या बन रहा है, मेरे को tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई है। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है मेरा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, तो पूरा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो tan sin और cos के अंदर चल रहा है। ठीक है, tan sin और cos के अंदर चल रहा है, इसलिए मैंने क्या किया tan की वैल्यू डायरेक्ट sin बाय cos ले ली है यहाँ पे। अगर ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर कुछ और पूछ रहा होता, मान लीजिए cosec थीटा प्लस प्लस tan थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली जो वैल्यू मेरे पास tan की यहाँ पे आई है उसको sin बाय cos लिख के नहीं ले सकता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, हम यही सिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, यही चीज़ सिखानी है हमको आपको, तो उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिया, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट वो होता जो अभी मैंने आपको बताया तो मैं क्या करता, तो भी इजी था क्वेश्चन, क्या था यहाँ पे tan थीटा की जैसे ही वैल्यू आई, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेता और बाकी सब की वैल्यू आ जाती मेरे पे, उसको पुट कर देता। प्रोसेस ध्यान में रखना है किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है मेरा √2 - 1 साइन की वैल्यू अपॉन में मेरा क्या है cos थीटा की 1 माइनस क्या है √2 - 1, तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया 2 √2 - 1 अपॉन 1 माइनस √2, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया है 2 √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √2। अच्छा, यहाँ पे मैं इस 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ,
मतलब आपको बताने के लिए इजी कर रहा हूँ, √2 × √2 लिखूंगा, √2 कॉमन आ जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्टली ही करना है, ये तो आपको समझाया है। √2 अगर मैंने इसमें से कॉमन लिया तो √2 − 1 बचा, √2 से √2 कैंसिल, और 2 को मैं वही √2 × √2 लिखूंगा, मतलब √2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये √2 से √2 कट गया, आंसर मेरा क्या आ गया, √2 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, देखिए समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई करिए फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हम। आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा, छोटी छोटी मिस्टेक जो आप कर सकते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। हमारे साथ आप बने रहिए चैनल पे, बस चैनल को देखते रहिए हमारे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। भाई कोई शॉपकीपर है, मैं शॉपकीपर हूँ मान लीजिए, उस क्या किया 28% का डिस्काउंट दे दिया जो मैंने मार्क प्राइस रखी थी। अब क्या कह रहा है आर्टिकल, और मुझे उसको डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो गया मेरे को, तो मैंने क्या किया 30.8 रुपये मैंने क्या कर रहे 30.8 रुपये मैंने गेन किया है, किसके ऊपर, एक आर्टिकल बेचने के ऊपर। तो मुझे कॉस्ट प्राइस बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है भाई, यहाँ लिख लीजिए मार्क प्राइस, यहाँ लिख लीजिए सेलिंग प्राइस, और यहाँ लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, कहीं भी लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी इच्छा हो जहाँ पर जिसको अरेंज करिए। मैं क्या कह रहा हूँ 28% मेरा क्या आ रहा है डिस्काउंट, इसका मैं फ्रैक्शन बना लूँ, फ्रैक्शन बनाना आता है, अपॉन 100 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 107/25, ये 25 जो है मेरा, ये मेरा मार्क प्राइस हो चुका है, और 7 क्या है मेरा जो मैंने डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 7 क्या है जो डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर 25 मेरा मार्क प्राइस है और उस पर मैंने डिस्काउंट दिया 7 का, तो मेरी सेलिंग कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस 18, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 20% मेरा क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 मेरा क्या आ चुका है मेरा, ये सेलिंग प्राइस है, अगर सॉरी प्रॉफिट है ना, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ना 5 कॉस्ट प्राइस, अगर इस पे एक में प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 से क्या हुआ एक कमाया 6 हो चुका है। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिए 18, ये 18 वन जा तो यहाँ पे 25 वन जा, और यहाँ पे 6 थ्री जा तो 5 थ्री जा 15। अब ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ये सेलिंग प्राइस आ गई, ये मार्क प्राइस आ गई, प्रॉफिट कितना हो रहा है 3, प्रॉफिट 3 नहीं हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट मेरे को कितना हो रहा है 30.8/3, अपॉन में 3 लिख लूँ क्योंकि 3 तो मेरा निकला है यहाँ पे, रेशियो निकला है, मतलब यहाँ पे मेरा कैलकुलेट कर परसेंटेज को कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, बट एक्चुअल में 3 मेरे को हुआ थोड़ी है, क्वेश्चन में दिया है 30.8 by 3 मल्टीप्लाई बाय जो भी चाहिए कर दीजिए 15, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछिए 5 13 × 5 150 115 × 4 0.8 × 4 154 मेरा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फिर हम आप लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा भाई क्या कह रहा है, सम लेंट आउट एट रुपए, भाई क्या है कोई सम था उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट पे एक साल तक, एक साल के बाद क्या हुआ अमाउंट क्या मिला मेरे को 6076 रुपीज़, इतने पैसे मेरे को मिल चुके हैं एक साल के इंटरेस्ट के बाद में, ठीक है। और वो क्या कह रहा है उसी अमाउंट को अगर मैं 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो मुझको कितना मिलता 7504 रुपीज़ मेरे को क्या मिल जाता अमाउंट मिल जाता। अच्छा अब एक चीज़ इस क्वेश्चन में नोट करिए आप, भाई ये क्या पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और सम दोनों चीज़ें पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ईयर का मेरे को क्या है अमाउंट बता दिया है और 1 ईयर का। अच्छा अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो हर साल इंटरेस्ट तो उतना ही लग रहा है, इंटरेस्ट चेंज थोड़ी होगा अमाउंट पे थोड़ी लगता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे लगता है। अब भले आप 4 साल के लिए लिए 5 साल के लिए 10 साल कितने भी साल के लिए लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पहले मैं देख लूँ, यहाँ पे 3 साल का इन दोनों के बीच कितना है 3 ईयर का, यहाँ पे मैं क्या करूँ 3 ईयर का मेरे को पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना लगा
इसको माइनस कर देता हूँ, 14, 8, 2, 4, 1, 1, 4, 2, 8 मेरा आ चुका है। अब ये जो इंटरेस्ट है मेरा 3 साल के लिए, तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ यहाँ पे इजीली, 4, 7 और 6, 4, 7, 6 रुपीज मेरा क्या आ चुका है, 1 साल का इंटरेस्ट आ चुका है। अच्छा, 1 ईयर का मेरे को अमाउंट पता है, अगर 1 ईयर का अमाउंट पता है 6070, तो मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूँ। हमेशा प्रिंसिपल पे ही लग रहा है ना, अगर मैं इसमें से मैं 1 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ गया, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल क्या आ चुका है, 6500 रुपीज मेरा क्या आ चुका है प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट कितना है 1 साल का, 4765600 मेरा क्या है प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए, रेट आ जाएगी, 0 से 0 गया, ये गया 28, यहाँ पे गया 238, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7 से 7 3 जा और 7 4 जा 7 4 34 बाय 4 मेरा क्या आ चुका है, यहाँ पे मैं निकाल लूँ कितना आ रहा है, 34 बाय 4, 8.5% मेरा क्या आ चुका है, रेट आ चुकी है मेरी प्रिंसिपल क्या आ गया 56 और 8.5। अच्छा, इस क्वेश्चन में अच्छा बनाया इसने हर ऑप्शन के साथ में 54, 50 और 55, 50 और रेट किया है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा जाना पड़ेगा और ये रेट भी निकालनी पड़ेगी। उसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।